देख रहे हैं अंबर टाइम। सेव, सोना और साड़ी के लिए पहचाने जाने वाले रतलाम शहर में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा है। खबर के मुताबिक शनिवार सुबह प्रशिक्षु आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने स्टेशन रोड से एक युवक से करीब 13 किलो से अधिक का सोना पकड़ा है, जो 9 करोड़ रुपए से अधिक का है। पुलिस से जब्त हुए सोने और युवक को लेकर स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवक 32 वर्षीय सुभाष वर्मा, पिता चेतन राम, निवासी रामपुरा, तहसील श्री माधोपुर, सीकर, राजस्थान, तथा दूसरा युवक प्रवीण, पिता राम निवास सैनी, निवासी महेंद्रगढ़, हरियाणा है। सूचना मिलते ही आयकर और जीएसटी की टीम भी स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंची। इंदौर से भी जीएसटी के अधिकारी रतलाम पहुंचे हैं। सोना परिवहन को लेकर पुलिस और जीएसटी टीम बारीकी से जांच कर रही है। बड़ी मात्रा में सोना पकड़ने की खबर मिलते ही सराफा कारोबारी भी थाने पहुंचे थे। प्रशिक्षु आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने मीडिया को बताया। जी, आज सुबह मैं रिंगनौद थाना में प्रातःकालीन भ्रमण पे था, जिस पर मुझे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रतलाम में अपने स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से सोने का परिवहन कर रहा है, जिसमें बिलिंग के भी कुछ इश्यूज हैं। तो मैंने इस सूचना से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के मैं स्टेशन रोड की टीम को बुलाया, अपने हमराही शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराही शकील जी को बुलाया, और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पे लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे, और लगभग 13 किलो सोना मिला है। और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है, और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना के हिसाब से तो ये था कि वो ट्रेन से बॉम्बे से ड्यूरेंट एक्सप्रेस से लेके आया था, तो हमने उसको स्टेशन रोड के पास दर्द पूछा। और बिल की जांच, अभी बिल हैं, कुछ बिल हैं, अधिकतर चीज़ों में बिल नहीं है और संदिग्ध लग रहे हैं बिल, तो जीएसटी की टीम इसलिए बुलाई है और आकलन कर रही है। परिवहन करने वाला जो बताया जा रहा है वो एक ही था परिवहन का, और दूसरा व्यक्ति उसको रेलवे स्टेशन से लेके आ रहा था, तो हमने जैसे ही वो अपने थाना क्षेत्र में घुसा, स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में, हमने उसको पकड़ लिया। रतलाम जिले के साथ ही रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा का प्रवेश हुआ। रात 8:30 बजे पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल होने पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे थे। धान मंडी में आयोजित सभा में भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सुन ले कि यहां जो लाडली बहना बैठी है वो भाजपा को सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जिताने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि रतलाम में बहुत विकास हुआ है, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि विकास दिखता है। रतलाम शहर में जन आशीर्वाद यात्रा तय समय से कुछ घंटे लेट पहुंची, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को जावरा विधानसभा क्षेत्र से होते हुए रतलाम शहर में पहुंची, जहां भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक रामेश्वर शर्मा इसमें शामिल हुए। विधायक चेतनी काश्यप ने कहा कि ये मंच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल पहले जब भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था तब शुरुआत इसी मंच से हुई थी। वे रतलाम को महानगर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। निवेश क्षेत्र आने के बाद रतलाम के नौजवानों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने लाडली बहना योजना को मुख्यमंत्री और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योजना बताया। उन्होंने रतलाम के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें गर्व है कि मात्र 5 साल में यहां मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। जो काम करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ये बताना चाहते हैं रतलाम तो वैसे ही बहुत फेमस है सर, चेतन कश्यप जी बहुत फेमस है, और चेतन कश्यप जी कोई छोटे मोटे आदमी, जो मांगोगे और बना देंगे। रतलाम तो मध्य प्रदेश के टॉप नगरों में एक है, लेकिन ये भी वादा है रतलाम जब पांचों भाजपा की दोहराएगी तो नंबर 1 पर रतलाम सिटी बन जाएगी, ये भी रतलाम में विकास किया जाएगा।
विकास में समझौता नहीं है हमारा, जनता के हितों के कल्याण के काम में समझौता नहीं है हमारा। जो राम के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम भी बोलेंगे, जो राम को गाली देगा उसका मुंहतोड़ जवाब हम भी देंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की वेतन विसंगतियों को लेकर चल रही हड़ताल शनिवार को 13वें दिन में प्रवेश हो गई है। पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में गुलाब चक्कर के पास चल रहे आंदोलन में पटवारियों ने 13वीं मनाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द पटवारियों की मांगे पूरी करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। पटवारी संघ अपने आंदोलन के तहत तो हर दिन नवाचार कर आंदोलन को रोचक बना रहे हैं। आंदोलन के 13वें दिन पटवारियों ने मुंडन संस्कार की रस्म अदा की। आंदोलन में बैठे 9 पटवारियों ने मुंडन करवाया। मुंडन करवा रहे पटवारी मयूर सूर्यवंशी ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर सूर्यवंशी सिसोदिया है। अच्छा मयूर भाई, काय के लिए आप बाल मुंडन करवा रहे हैं? मैं एक पटवारी होने के नाते अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा हूँ कि कई वर्षों से लंबित मांगे हैं हमारे वेतनमान के संबंध में। जब तक हमारे प्रिय मामा जी 2800 वेतनमान नहीं देते हैं, तब तक हम हमारे इसी प्रकार से केश मुंडन करके समस्त पटवारी साथी इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। कितने दिन से आंदोलन चल रहा है आपका? सर, हमारा आंदोलन तो वैसे कई वर्षों से चल रहा है, पर अभी विगत 13 दिनों से हम हड़ताल पर हैं ताकि शासन हमें भी जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करे और 2800 वेतनमान से हमें सम्मानित करे, क्योंकि हम शासन के समस्त कार्यों को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लगभग 21 से अधिक विभागों का काम पटवारी साथी निरंतर 24 घंटे दिन रात मेहनत करके पूरा करता है और मात्र मेरा वेतन 28,000 है और आप बता दीजिए कि 28,000 में घर चलता है? मात्र 250 रुपये मुझे घर भाड़ा मिलता है। मैं शासन से मांग करता हूँ कि 250 रुपये में मुझे केवल एक कमरा उपलब्ध करा दे। माननीय, मैं आपको ये बात अवगत करा दूँ कि 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शौचालय भी 300 रुपये में उपयोग कर सकता है एक पटवारी, तो आप बताइए 250 रुपये में घर कहाँ से लाएगा? हमारी अन्य बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें मामा जी को पूरा करना ही होगा, अन्यथा हम जैसे युवा पटवारी संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। शनिवार सुबह रतलाम में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर तीखे शब्द बाण चलाते हुए कहा कि देखिए, इसमें मुझे नहीं कहना चाहिए था, कहना तो पप्पू की माता सोनिया गांधी को चाहिए था। करुणानिधि के बेटे ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने कर्नाटक के एक और मंत्री ने जो सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर जो टिप्पणी की है, हम इसमें सवाल करना चाहते हैं। सोनिया गांधी से क्या आप इस टिप्पणी से सहमत है? उनके वक्तव्य से क्या सोनिया गांधी सहमत है? श्रीमान राहुल गांधी सहमत है? श्रीमान खड़के साहब सहमत है? क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी सहमत है? क्योंकि हिंदू की बात करते हैं तो तमाम लोग हैं वह सहमत है। अगर सहमत नहीं है तो इस घमंडी गठबंधन को तोड़ो और गठबंधन की पहली शर्त रखो, सनातन धर्म हो या हिंदुस्तान के जो भी धर्म हो, उनके खिलाफ टिप्पणी करने वालों को घमंडी गठबंधन से बाहर करो। हिंदुस्तान के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को गठबंधन से बाहर करो, नहीं तो हम यह मानेंगे कि अली बाबा 40 चोर का दरबार है। यह हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का गठबंधन है, बल्कि हम यह कहेंगे यह गठबंधन पाकिस्तान से संचालित होने वाला गठबंधन है, यह गठबंधन चीन से संचालित होने वाला गठबंधन है, यह गठबंधन अरब कंट्री से संचालित होने वाला गठबंधन है। विधायक शर्मा ने कहा, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली भी यह गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जिस गठबंधन को इतना स्वाद नहीं है राम के देश में, वह सनातन धर्म को जो रोग कहते हैं, ऐसे गठबंधन को हम महामूर्खों का गठबंधन कहते हैं, जो अपने धर्म का, अपने देश का नहीं, वह हिंदुस्तानियों का अपना कभी नहीं हो सकता है। देखिए, इसमें मुझे नहीं कहना चाहिए था, कहना तो वो पप्पू की माता सोनिया गांधी को चाहिए था, करुणानिधि के बेटे ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने और कर्नाटक के एक और मंत्री ने जो सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर जो टिप्पणी की है, हम इसमें सवाल करना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से, क्या आप इस टिप्पणी से सहमत हैं? उनके वक्तव्य से क्या सोनिया गांधी सहमत हैं? श्रीमान राहुल गांधी सहमत हैं? श्रीमान खड़के साहब सहमत हैं?
क्या शिवसेना के वो उद्धव ठाकरे जी सहमत है क्योंकि हिंदू की बात करते हैं और जो तमाम लोग हैं वो सहमत हैं और सहमत नहीं है तो इस घमंडी गठबंधन को तोड़ो और गठबंधन की पहली शर्त रखो कि सनातन धर्म हो या हिंदुस्तान के जो धर्म हैं इनके खिलाफ टिप्पणी करने वालों को घमंडी गठबंधन से बाहर करो। पहली बात, हिंदुस्तान के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को गठबंधन से बाहर करो और नहीं तो हम ये मानेंगे कि ये अली बाबा चालीस चोर का दरबार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का गठबंधन है, बल्कि हम ये कहेंगे ये गठबंधन पाकिस्तान से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन चाइना से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन अरब कंट्री से होने संचालित होने वाला गठबंधन है और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली भी ये गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जिस गठबंधन को इतना स्वाद नहीं है कि राम के देश में वो सनातन को बीमारी कहते हैं, उसको जो रोग कह सकते हैं, ऐसे गठबंधन को हम कहते हैं महामूर्खों का गठबंधन है, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने देश का नहीं, वो हिंदुस्तानी और तुम्हारा भी नहीं हो सकता। वाल्मीकि समाज जन ने अपने आराध्य देव श्री गोगा देव जी चौहान जाहरवीर का जन्मोत्सव शुक्रवार को मनाया। देर शाम को अपने अपने क्षेत्रों से निशान लेकर निकले। दिन भर बारिश का माहौल होने के कारण सुरक्षा को देखते हुए शेरों निशान पर पॉलिथीन लपेटी। रात 9 बजे के बाद शहर में वाल्मीकि समाज की प्रमुख बस्तियां गांधीनगर, शेरानीपुरा, सिलावटों का वास, नयापुरा, सुभाष नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज जन निशान लेकर निकले। अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए निशान देर रात को दोबत्ती चौराहे पर पहुंचे, जहां सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सहित अन्य संस्थाओं व संगठनों के पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से छड़ीदारों का सम्मान किया। निशान जुलूस को देखने के लिए शहर के विभिन्न चौराहों पर समाजजनों की भीड़ रही। नगरीय निकाय प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथियों का, भक्तों का, मातृशक्ति का, सभी का सम्मान, बहुत बहुत बधाई आपको। गोवा देख रहे हैं अंबर टाइम।